अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी मठरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है और ये 200 ग्राम चीनी है जो उसको मैंने पीस लिया है ग्राइंडर से। ये है 150 ग्राम घी, देसी घी है ये। 1 कप दूध लिया है मैंने, छोटी इलायची पाउडर है, आधा चम्मच से भी कम है ये। और 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो ये मैं सबसे पहले डाल रही हूँ जो पिसा हुआ चीनी है, सारा डाल दिया मैंने। और इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, ये आधा चम्मच है। ये है मिल्क पाउडर, 2 चम्मच लिया है मैंने इस चम्मच से। तो ये भी मैं सारा डाल दूंगी। इसको मैं से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर से अच्छा टेस्ट आता है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी बन जाता है ये। देखिए मिल्क पाउडर से भी अच्छा बनता है, बहुत टेस्टफुल बनता है वो भी। ये देसी घी डाल रही हूँ मैं, अगर देसी घी नहीं है तो रिफाइंड से भी बहुत अच्छा बनता है। ये मैंने दूध डाल दिया, अभी मैंने कम दूध डाला पहले इसके अंदर। इसको हम पहले मिक्स कर लेते हैं। ऐसे हम सबको मिक्स कर लेंगे। ये दूध थोड़ा और डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, पहले हमने थोड़ा सा डाला है। इसके अंदर मिक्स करेंगे इसको। हम इसमें मिक्स कर लिया और डालेंगे ऐसे ही। अब हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे। हाथ से इसलिए मिक्स करेंगे कि गांठ ना बन जाए इसमें आटे का, मैदे का। ये जो मैदा हमारा बच गया था हम ये भी डाल देंगे इसके अंदर। ऐसे आप गूंथ तो देख लीजिए, बस ज़्यादा ढीला नहीं छोड़ना आटे को। ऐसे ही मसल मसल के उसको मिक्स करना है, ऐसे ही सारा मिक्स हो जाएगा ये इस तरह से। ये देखिए हमारा मैदा बिल्कुल गूंथ चुका है, बहुत अच्छा। अगर ज़्यादा गीला हो तो आप उसमें थोड़ा मैदा और मिक्स कर सकती हैं। जिस हिसाब से मैंने दूध डाला था, आप कम दूध डाल के 300 ग्राम आटा आराम से गूंथ सकती हैं। और दूध से ही गूंदना है, पानी से नहीं। दूध का टेस्ट अलग आता है बिल्कुल। बस ये हमारा हो चुका, हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको हम छोड़ ढक कर रख देंगे। हम इसको ढक देते हैं। देखिए 15 मिनट तक हो चुका हमारा। अब हम इसका बना लेंगे पेड़ा, छोटा छोटा बिल्कुल गुलाब जामुन जैसे। इधर कुछ छोटा छोटा इतना इतना आटा लेंगे बिल्कुल हम। ये हम इसको इस तरह से गोले बनाएंगे। ये हमारा बन गया है पेड़ा। इस तरह से हम बना बना के सबको रख लेंगे पहले। ये देखिए मैं सारा इस तरह से बना लिया मैंने। ऐसे ही हम सबको बना लेंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे से ही बना सकती हैं, गेहूं के आटे में भी बहुत अच्छा बनता है ये। देखिए मैं गैस पे मैंने घी रख दी है, गैस चालू कर दिया मैंने। तब तक मैं इसको काट लेती हूँ। इस तरह से इसको आप हथेली की मदद से ऐसे आप इसको दबा दें। और इससे आप, आपके पास अगर कटर है तो आप उससे काट लें। मैंने इससे काटा है इसको। ये देखिए इस तरह से कट जाएंगे सारे। मैं ऐसे ही सबको काट लूँगी। ये देखिए ऐसे ही हाथों की मदद से ऐसे इनको ऐसे कर देंगे। और इस तरह से हम इसको काटेंगे।
देखिए सारा ऐसे काट लेंगे अब हम। देखिए ऐसे ही सब आप हथेली की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कटर नहीं है तो। देखिए इतना अच्छा है, वैसे ही गोल गोल बन गया बिल्कुल। ये छोटा है थोड़ा, ये हथेली की मदद से ऐसा हो गया है। इतना बड़ा साइज आप काट सकती हैं। कटर मेरे पास भी नहीं है तो मैंने इससे काटा है। देखिए सारा हमारा कट चुका है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम डाल देते हैं इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखो आराम से डालना है इसके अंदर। मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर रखा है। देखो धीमे आँच पे इसको पकाना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। देखिए इसको इससे हिला लेंगे थोड़ा। बिल्कुल कुछ धीमे आँच पे बिल्कुल पकने देंगे हम इसको, हल्का ब्राउन हो जाएगा बिल्कुल, तब तक हम इसको पकाएंगे। चलिए हम इसे देख लेते हैं हुआ या नहीं। बिल्कुल ऐसा कलर आया, अभी हम इसको पलट लेंगे। देखो सही कलर आया ये, सही है बिल्कुल। अब ऐसे ही हम सबको पलट लेंगे आराम आराम से। देखिए सबको मैंने पलट लिया है, ऐसे ही सब हम बना लेंगे सबको। देखो मीठा मठरी जैसे होता है, जैसे मट्ठी वैसी मठरी छोटा है ये, जैसे शक्कर पारा होता है वैसी बनता है ये भी बगैर चाशनी का। ये देखिए सारा हो चुका है हमारा, ये निकाल लेती हूँ मैं इसे। बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। ऐसे हम इसको भी डाल देंगे सारा। गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा ये। हो चुका है हमारा ये। सारा हम ऐसे डाल देंगे इसके अंदर। हम इसको ऐसे हिलाते रहेंगे नहीं तो नीचे का ज़्यादा लाल हो जाएगा। ये देखिए हम इसको देख लेते हैं हुआ नहीं हुआ, हो चुका है ये। हम सबको ऐसे पलट लेते हैं फिर। ये बहुत ही अच्छा बनता है, खस्ता और करारा होता है एकदम ये। ऐसे आप भी बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही अच्छा टेस्टफुल बनता है, घर में भी सब खाएं। देखिए इसको भी देख लेते हैं होगा नहीं हुआ, ये थोड़ा सा और होगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल बिस्किट के जैसे लग रहा है देखने में। दिवाली पर भी बनता है ऐसे, आप चाशनी वाला बना सकते हैं, चाशनी वाला बनता है ये जो है। चाशनी डाल के चाशनी के अंदर से इसको निकाल लें, बहुत ही अच्छा होता है वो भी। ये देखिए सारा निकाल दिया मैंने। ये देखिए इसको भी ऐसे डाल देंगे सारा हम इस तरह से।
सब बन चुका है हमारा। सारा हम इकट्ठे डाल देंगे, अब इसे हम थोड़ा हिला देंगे। ये देखिए सब मैं पलट लेती हूँ इस तरह सारा। ये निकाल लेते हैं, ये हो चुका है बिल्कुल। देखिए सारा हमने निकाल लिया है। मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। हो चुका है ये, देखिए बन चुका है हमारा ये तो। बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही करारा। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये, देखिए कितना अच्छा है। बिल्कुल ऐसे डबल डबल जैसे है, बिल्कुल ऐसे बनता है ये। आप इसको थोड़ा पतला ही बना सकती हैं, अभी त्योहारों का चल रहा है तो ये आप लोग इस तरह से बना के, और चीनी का जो चाशनी बनता है उसमें भी निकाल सकते हैं हम इसको। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टफुल बनता है ये शकरपारा जैसे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।